अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे लाइव जाती है तो हर सेलर की ये विश होती है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो टॉप 10 सेलर में शो हो, लाइक हमारी प्रोडक्ट रैंक कर जाए। सो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली रैंकिंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देख लेते हैं जी रैंकिंग के लिए सेकेंड वन स्लाइड। प्रिपरेशन फॉर रैंकिंग, रैंकिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, लिस्टिंग शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। आपकी जो लिस्टिंग है ना बहुत ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आपके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके बैकएंड जो ऑप्टिमाइजेशन, लाइक आप जो बैकएंड सर्च टर्म यूज़ करते हैं, सर्च टर्म कीवर्ड्स जो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से आपको यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स जो आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग के इमेजेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, 3D इमेजेस वगैरह यूज़ करने चाहिए। देखें 3D इमेजेस मैंने इसीलिए इनको ऐड किया हुआ है कि आपको आइडिया हो सके कि बेसिकली किस तरह के इमेजेस हमें यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें A+ कंटेंट की, तो A+ कंटेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखें इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। A+ कंटेंट का मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि लिस्टिंग के दौरान जो लास्ट पे हमें डिस्क्रिप्शन वाले साइड पे जो इमेजेस वगैरह नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली A+ कंटेंट राइटिंग होती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रैंकिंग के लिए चाहिए होती हैं, एसन, ठीक है, टॉप 10 कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की बेस पे तो डेफिनेटली रैंकिंग बहुत हाई जाती है। लैंडिंग कॉस्ट हमारी बहुत मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए। इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये ना हो कि हमारी प्रोडक्ट रैंक कर जाए और पीछे से हमारी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, जो कि हमारी रैंकिंग पे इफेक्ट डालेगी डेफिनेटली। बजट पर कीवर्ड जो है वो भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। जितना आपका बजट लो होगा डेफिनेटली उतना ही रैंकिंग में आपको इजी वे से आप रैंक कर सकेंगे, और अगर बजट ज़्यादा होगा दैन डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर रैंकिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात कर लेते हैं तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनको आपने फॉलो करना है और इस तरीके से आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च पैड्स। लॉन्च पैड बेसिकली जोन जंप या वायरल लॉन्च, इट्स मीन के अमेजोन जो है ना डज़ नॉट गिव मच वैल्यू टू परचेज थ्रू कूपन्स। जो हम कूपन्स लगाते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री या इस तरह की प्रमोशंस वगैरह, वो लॉन्च पैड्स की स्ट्रेटजीज़ में आती हैं, और बेसिकली अमेजोन इनको ज़्यादा प्रमोशन नहीं देता, इनको ज़्यादा अमेजोन नहीं रिकमेंड करता। चैट बोट यानी मैनी चैट जो हैं वो बहुत फास्टेस्ट वे होता है अमेजोन पर रैंकिंग के लिए, जो गिव अवेज हम कहते हैं CPR 8 days गिव अवेज। इसके अलावा VVRO बेसिकली हम क्या करते हैं कि फेक ऑर्डर जो बाय करते हैं इनको VVRO कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। हम किसी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कहते हैं भाई आप हमसे बाय करें और हम उनसे म्यूचुअली जो है ना उनको रिटर्न कर लेते हैं। अच्छा, PPC पे पर क्लिक है, जो कि अमेज़ोन को हमने बिडिंग करनी होती है और अमेज़ोन हमारी प्रोडक्ट कीवर्ड की बेस पर रैंक कर देता है। और ऐड टू कार्ट बटन पे हमने डिफरेंट टाइप्स की प्रमोशन लगाई होती हैं जिनसे हमारी जो है ना वो इजीली रैंकिंग हो जाती है। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी रैंकिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, ये देखें रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमने देख चुके हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद रैंकिंग स्ट्रेटजीज, देन ऑनवर्ड हाइपर लॉन्च वन। फेज़ वन में हमने क्या करना होता है कि सुपर URL हमारी प्रोडक्ट का जो होता है ना, उसके ज़रिए हमने अपनी हनीमून पीरियड, जो स्टार्टिंग डेज होते हैं ना 2 weeks तकरीबन, वो हनीमून पीरियड होते हैं, और उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन हमें प्रेफर कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक ईजिली कर सकते हैं, हमने गिव अवेज करके ना तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, और सुजेस्टेड ये है कि सिर्फ $20 स्टार्टिंग पे लगें। इसके अलावा अगर हाइपर लॉन्च वन फेज़ टू की बात करें तो इसमें कीवर्ड की बेस पे हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, और इसके अलावा इसमें बजट जो रिक्वायर होता है वो $20 to $40 जो है वो बजट सिर्फ जो है रिक्वायर होता है, और मैनी चैट हम इसको इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। इसके अलावा फेज़ टू की अगर हम बात करें, हाइपर लॉन्च टू की बात करें ना, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि डिफरेंट टाइप की प्रमोशंस लगानी होती हैं, और 90% जो है ना हमारी प्रमोशन की बेस पे जो है ना हमारी प्रोडक्ट रैंक करने के चांसेस होते हैं। हमने 72 आवर्स का टाइम होता है हमारे पास, हमने इन
आवर्स के अंदर जो है वो कूपन लगानी होती हैं, प्रमोशंस लगानी होती है और अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैम्बू लॉन्च की, तो बैम्बू लॉन्च भी एक स्ट्रेटजीज है जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि CPR अगर मिसाल के तौर पर 200 हो तो हमने 300 के रेंज में हमने CPR की एस्टिमेशन लगानी होती है और फिर हम VVRO भी चलाते हैं जिसके ज़रिए जो है हमारी प्रोडक्ट दिनों रातों रात जो है हमारी प्रोडक्ट रैंक कर जाती है। इसमें बजट नो डाउट हाई लगेगा लेकिन हमारी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्राइंगल रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सेप्शनल मेथड स्ट्रेटजीज है जिसमें ना हमारी हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमारी होती है और हम क्या करते हैं कि $300 की, मिसाल के तौर पर $300 की हम यहाँ पे PPC तो हम यहाँ पे गिव अवेज तो देने से रहे, इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने मामू चाचू या अपने दूसरे किसी रिलेटिव्स को कहते हैं आप हमसे बाय करें और हम उनको जो है ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा हमने उनसे ऑलरेडी कमीशन कर लिया होता है भाई हम आप बाय करें और उसके अलावा हम उनको ना इसकी जगह उसी प्रोडक्ट की जगह कोई और प्रोडक्ट दे देते हैं और इसके अलावा ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करते हैं जिससे अमेज़ोन पे हमारी मतलब अमेज़ोन को कोई कुछ भी आइडिया नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कीवर्ड जब रैंक कर जाता है उसके बाद डायरेक्ट हमें गिव अवेज जो है छोड़ देने नहीं चाहिए, हमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार को कम करना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनिक वे से ही जो है ना वो रहें और अमेज़ॉन पे कोई भी इस पॉइंट व्यू से कोई केस ओपन ना हो सके। और इसके अलावा जो है ना वो हमें मिसाल के तौर पर जो है ना वो हम गिव अवेज 20 दे रहे थे स्टार्टिंग पे तो हम थोड़े थोड़े करके और 10 ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे थे तो हमें डिक्रीज़ इस तरह से करने चाहिए कि 20 से हम अपनी रेशो 15 कर लें, ठीक है। डायरेक्ट हमें लो नहीं करनी चाहिए, 20 से 15 फिर 15 से 10 फिर 10 से इस तरह से हम आएंगे तो हम हमारी रैंकिंग पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो ये थी कुछ स्ट्रेटजीज़ बेसिकली रैंकिंग के पॉइंट व्यू से जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल प्रूफ हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।